हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी लर्निंग। तो काफ़ी दिनों के बाद जो है वो अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो था वो अपलोड कर रही हूँ। तो अभी तक जो है वो हम बायो का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। तो फर्स्ट चैप्टर में अभी हमने करा था एक सिस्टम न्यूट्रिशन था फर्स्ट, सबसे पहले हमारा जो था डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन। उसके बाद फिर हमने जो है प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन करा और साथ के साथ एनिमल्स का न्यूट्रिशन भी देखा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखा। नेक्स्ट उसके बाद हमने करा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्लांट्स का भी हमने देखा कैसे रेस्पिरेशन होती है, और उसके बाद हमने एनिमल्स के भी बारे में स्टडी करा। तो थर्ड टॉपिक हम जो था वो कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देख रहे थे कि कैसे हर्ट जो है वो हमारा एक पंप की तरह काम करता है और साथ के साथ पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। सेकेंडली हमने उसमें पढ़ा था कि कैसे ब्लड वेसल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की, तीन टाइप्स की हमने पढ़ी थी, आर्टरीज, वेन्स और साथ में फिर हमारे पास कैपिलरीज आ गई थी। तो कैसे हमने जो है देखा कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर कैसे जो है वो ये पूरा बॉडी में जो है ब्लड वेसल्स ने अपना पूरा सर्कुलेशन जो है वो करा हुआ है, जिससे ब्लड जो है वो हर पार्ट पर जो है हर बॉडी सेल में पहुँच रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ब्लड की कंपोजिशन पढ़ी थी के प्लाज्मा, RBCs, प्लेटलेट्स, WBCs, तो ये हमारे ब्लड की कंपोजिशन थी और इनके फंक्शंस हमने करे थे कि प्लाज्मा का क्या फंक्शन है और ब्लड और साथ के साथ RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है उस हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हमने हार्ट का फंक्शनिंग देखा और साथ के साथ हार्ट का हमने पूरी वर्किंग देखी, तो कैसे हमारा हार्ट जो है वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो था वो हमारा लेसन जो था वो हो चुका था। तो अब हम अपने चैप्टर को जो है वो नेक्स्ट अब कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यूटी में हम जो है हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स के जो है वो हमारे पास एनिमल्स जो थे, इनकी किसमें टू चैम्बर था, थ्री चैम्बर हर्ट था, फोर चैम्बर था। तो हम ह्यूमन बींग्स में जो है मोस्टली मैमल्स में जो है वो फोर चैम्बर हार्ट होता है। तो हमने देखा था कैसे हमारी जो बॉडी में है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जो है वो अलग अलग रहता है, वो कंबाइन नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो इजीली, कि हमारी बॉडी को इजी वे से जो है आसानी से जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो मिल पाती है और हम इजीली रेस्पिरेशन जो है वो कर पाते हैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है एस्चान, मैंने बताया था ना कि एस्चान से हम जो है वो इनकी इसको रेफ़र कर रहे हैं। तो एस्चान में पेज नंबर 63 पर मैं हूँ। तो अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हार्ट बीट। तो हार्ट बीट क्या है? तो हार्ट बीट जनरली क्या है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो हार्ट का होता है, तो वो जो है एक रिदमिक यानी कि पंप की तरह जो है वो काम कर रहा है। रिदमिक उसमें जो है पल्सेस जो है वो फ्लो कर रही हैं, पल्सेस जो है वो उसमें जनरेट हो रही हैं, और वही पल्सेस जो है वो हम जो है एक तरह से अपनी हार्ट की बीट को हम जो है वो फील कर पाते हैं। तो एक पूरा कंप्लीट सर्कल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ देन रिलैक्स हुआ, तो ये एक हार्ट बीट जो है वो बनाता है, ठीक है। तो हार्ट बीट लगा पता लग गया ना कि हार्ट बीट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट, एंड वन कंप्लीट साइकिल दैट इज वन कॉन्ट्रैक्शन एंड देन रिलैक्सेशन। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक बार रिलैक्स हुआ, तो ये एक पूरा सर्कल बन गया, एक पूरा चक्कर बन गया। तो ये साइकिल जो है वो हमारे पास वन हार्ट बीट आ जाता है। तो एक मिनट में हमारा हार्ट जो है वो 70 से लेकर 72 टाइम्स जो है, 70 से 72, सिंपल अगर हम बोले 70 से 72 तक जो है वो हमारा जो रेस्ट पर है वो हार्ट बीट जो है वो हमारी होती है। तो अगर हम अपने हार्ट पर जो है वो हाथ रखेंगे ना ऐसे, तो हम फील करेंगे यहाँ पर जो है वो ऐसे कुछ पंपिंग सी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और एकदम से रिलैक्स हो रहा है, तो वही जो है वो हमारी हार्ट बीट होती है। तो वहीं से हम जो है वो काउंट कर सकते हैं कि वन मिनट में जो है वो 70 से 72 टाइम्स जो है हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है एट रेस्ट। तो जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, तो ये जिनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कुछ टाइम हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो एनर्जी की नीड के लिए ऑक्सीजन का पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमारा हार्ट जो है वो ज़्यादा जल्दी से पंप करना जो है वो शुरू कर देता है।
ठीक है, तो वो फिर जो है वो हमारी हार्ट बीट जो है वो फिर फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ, फिज़िकल वर्कआउट के साथ जो है वो हमारी बढ़ जाती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में रेस्ट में हमारा जो है वो 70 से 72 टाइम्स होता है, और फिज़िकल एक्सरसाइज जैसे भागते दौड़ते हुए खेलते हुए 100 120 इतना हो जाता है। तो ज़्यादा घबराने की उस टाइम ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम भाग रहे होते हैं, सांस भी वैसे फूला होता है ना, सांस तो सांस क्यों फूला होता है, वो इसी कारण फूला होता है कि हमें ऑक्सीजन की नीड उस टाइम ज़्यादा है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए उस टाइम। तो एनर्जी कब आएगी, जब फूड जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, हार्ट ब्लड के थ्रू, ब्लड कहाँ से आएगा, हार्ट से। तो फिर ये सारी कड़ियाँ जो है वो एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो इस तरह से जो है वो हमारी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पल्स। पल्स सुना है ना, जैसे अब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो हमारी पल्स, ये हम जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पर ये आप यहाँ पर अगर अपना हाथ भी रखोगे ना, ऐसे टू फिंगर्स रखेंगे, इसको थोड़ा सा टाइट ढीला सा करेंगे, तो आप यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी आप फील करते हो कि क्या है यहाँ पर, कि कुछ ऊपर नीचे जो है वो हो रहा है। तो एक्चुअल में वो क्या है कि डॉक्टर के, एक तो हार्ट बीट से हम पता कर लेते हैं, तो हमने देखा कि आर्टरीज जो है उसमें जो है प्रेशर ब्लड का ज़्यादा होता है, तो प्रेशर जो है ब्लड का ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वहाँ पर जो है फिर ब्लड जो है वो इनकी कम उसके फ्लो के साथ जो है वो ब्लड जो है वो उसमें सप्लाई होता रहता है। तो वहाँ पर एक बार ब्लड, हार्ट ने ब्लड पंप किया, वो फिर क्या हुआ, इनकी एक्सपेंशन हो गया, फिर उसके बाद ब्लड थोड़ा कम हुआ तो वो वापस अपनी मेन पोजीशन में आ गई आर्टरी। तो वही जो है एक्सपेंशन रिलैक्सेशन, एक्सपेंशन रिलैक्सेशन, तो ब्लड जो है वो इस तरह से हमारी आर्टरीज में फ़्लो कर रहा है। तो मेनली जो है हमारी इनकी रिस्ट हो गई, टेम्पल हो गई, नेक एरिया हो गया, यहाँ पर ना आर्ट, वैसे तो हमारी आर्टरीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अंदर होती हैं बॉडी के, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, अगर ऊपर होती ना तो हल्के से भी चोट लगती तो ब्लड बहुत जल्दी से बाहर निकल सकता था, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड लॉस जो है वो ज़्यादा हो जाता। तो इस कारण क्या है कि हमारी बॉडी में बहुत डीप होती है फैट्स, इनकी बॉडी में काफ़ी इनकी अंदर जाके जो है ब्लड जो आर्टरीज होती हैं वो होती हैं, अगर ऊपर हम देखते हैं ना ब्लूइश कलर की, तो वो हमारे पास वेन्स होती हैं, क्योंकि वेन्स में ब्लड का फ्लो ज़्यादा नहीं होता है, तो जो भी कट वगैरह लगता है तो वेन्स के थ्रू ब्लड निकलता है, लेकिन आर्टरीज में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डीप होती हैं। तो तीन जगह पर वो स्किन के थोड़ी ऊपर होती हैं, एक रिस्ट हो गया, टेम्पल हो गया, एक नेक एरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है अपना हाथ रख के जो है वो पल्स को फील कर सकते हैं। तो एक्चुअल में पल्स क्या है, वही है कि अगर हम हार्ट पर हाथ रखते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फील करते हैं, तो वो हार्ट बीट बन जाती है। जब हम आर्टरी पर फील करते हैं उसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, पल्स बन जाती है। ठीक है, तो पल्स क्या है कि उसका एक्सपेंशन है आर्टरीज का, आर्टरी का एक एक्सपेंशन है, रिलैक्सेशन है, एक्सपेंशन है, रिलैक्सेशन है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास एक पल्स बन जाती है। तो एक कंप्लीट एक्सपेंशन देन रिलैक्स कम्प्लेक्स, तो ये हमारा एक पूरा सर्कल हो गया, एक राउंड हो गया, तो वो एक पल्स बनती है। तो ऐसे ही जब हार्ट जो है सिंपल रेस्ट पर जो है वो 70 से 72 टाइम्स बीट करता है, तो यहाँ पर भी जो है वो एट रेस्ट हमारा कितना आएगा, 70 से 72 टाइम्स तक जो है वो पल्स रेट हमारी आएगी। और फिर जैसे जैसे हमारा वर्कआउट बढ़ता जाएगा, एनर्जी की नीड्स बढ़ती जाएंगी, तो वैसे ही जो है वो हमारी पल्स रेट भी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपको पल्स रेट जो है वो पता, मैंने बताया ही कि हम यहाँ पर जो है ऐसे इस एरिया में ना, यहाँ पर आप जो है वो अपनी दो फिंगर्स ऐसे रखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर फील होगा, थोड़ा सा फ्री से छोड़ देना अपने हाथ, देखो मेरे को फील हो रहा है, आप भी अपने, जब मैं बोल रही हूँ तो आप अपनी रख के देखना, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर जो है वो एक्सपेंशन जो है वो फील होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आपको काउंट की फील हुआ, और फिर 1 मिनट में आप काउंट करके देखना आपको कितनी पल्स रेट जो है वो आपने काउंट करी है। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क हुआ, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या है, प्रेशर ब्लड में, अब हार्ट जो है वो क्या करता है, एक प्रेशर के साथ जो है आर्टरीज में ब्लड देता है। तो आर्टरीज की थिक वॉल्स होती हैं,
मैंने बताया ही था, तो उस थिक वॉल्स की होती है, क्योंकि अगर हम पाइप का ही ले लें, पानी जो है वो मोटर चल रही है, पतली सी पाइप ली हमने, उसमें प्रेशर एकदम से आया, वो पतली सी पाइप उसके ऊपर टूट गई। टूटने से क्या हुआ, तो वो ब्लड जो पानी है वो फिर आसपास गिरेगा। तो ऐसे ही जो हमारी ये आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ये भी एक तरह की पाइप्स हैं। कौन सी पाइप्स हैं, जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, तो हम ब्लड पाइप्स बोल सकते हैं, लेकिन हम ब्लड वेसल्स बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना। तो ब्लड पाइप्स, हम मैं सिंपल आपको बता रही हूँ कि ये ब्लड पाइप्स हैं। तो हार्ट किस में अपना ब्लड डाल रहा है, आर्टरी में। तो आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब वो जो प्रेशर, जिस प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ब्लड प्रेशर क्या है, प्रेशर के साथ, जिस प्रेशर के साथ ब्लड जो है हमारा आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है वो हम किस में काउंट करते हैं, mmHg, मिलीमीटर, Hg मीन्स मर्करी में जो है वो हम इसको करते हैं। तो इस ब्लड प्रेशर को करने से पहले हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक। तो हम, आपने कभी अगर घर में किसी का ब्लड प्रेशर वैसे चेक तो करते ही हैं, मम्मी पापा का या दादा दादी का ऐसे किया होगा, तो वो दो टर्म्स बोलते हैं, दो नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो दो नंबर्स ही हमारे पास क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है और डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या हुआ, तो सिस्टोलिक प्रेशर ये हुआ, ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो हार्ट से कहाँ पर आ रहा है, आर्टरीज में पहुँच रहा है, ठीक है। मतलब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसने कहाँ पर अपना ब्लड डाला, आर्टरीज में डाला। तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर क्या हुआ कि वो प्रेशर जब ब्लड जो है वो हार्ट को जो है, ठीक है, एक इनकी कॉन्ट्रैक्शन होते हुए वो जो है हार्ट को जो है वो छोड़ रहा है और मेन आर्टरी में जो है वो एंटर कर रहा है, तो वो हमारे पास कौन सा प्रेशर हो जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर हो जाता है। और दूसरा जो है वो दूसरा कौन सा हुआ कि वो थोड़ा कम वाला होता है, तो उस वो ऐसा प्रेशर सेकंड क्या है, डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक प्रेशर जो वो है जिसमें जो है जब रिलैक्स कर रहा है हार्ट, मतलब कि उस हार्ट जो है उस टाइम कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, हार्ट से कोई ब्लड नहीं आ रहा है, और फिर नॉर्मल प्रेशर के साथ जो है ब्लड जो है वो आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, तो वो नॉर्मल प्रेशर जो है वो थोड़ा लोअर होता है और उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो बोल देते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर मैंने बोला कि हार्ट से जब ब्लड आर्टरीज में आ रहा है, मेन आर्टरी हार्ट से, तो एक ही आर्टरी लेके आ रही है ना, अयोटा, तो अयोटा में जो ब्लड जा रहा है तो वो जो प्रेशर है वो सिस्टोलिक प्रेशर है। और दूसरा प्रेशर कौन सा है, ऐसा प्रेशर जिस टाइम ब्लड जो है वो आर्टरीज में स्मूथली फ्लो कर रहा है, हार्ट से कोई ब्लड नहीं आ रहा है, जस्ट वो कुछ सेकंड्स भी नहीं, मिली सेकंड्स का डिफरेंस है इतना, तो वो जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या हो जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर हो जाता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो हमेशा हाई होता है, तो हम दो में इसको काउंट करते हैं ना, दो टर्म्स आ गई, तो ऐसे ही दो प्रेशर्स जो है ब्लड प्रेशर आएंगे, एक हायर आएगा एक लोअर आएगा। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास होता है 120 mmHg, और डायस्टोलिक जो है वो लोअर होता है और उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो होती है 80 mmHg, ये नॉर्मल कंडीशंस में है। बाकी ओल्ड एज में जाके, यंगर एज में, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो हो जाता है, कम ज़्यादा उसका हो सकता है, कि जैसे अब एक यंग बॉय है, यंग गर्ल है, अगर उसका जो है वो हमारे पास आ गया 75 100 mmHg आ गया, ठीक है ना, 100 अपर सिस्टोलिक आ गया और 75 80, ये अगर जो है 80 तो वैसे नॉर्मल है, 70 75 अगर जो है वो अगर आ गया तो वो हमारे पास जो है वो नॉर्मल होगा एक यंग के लिए। और जैसे जैसे ओल्ड एज में हम एंटर करते हैं तो वो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई होता जाता है, क्यों, क्योंकि उस टाइम जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स जो है ना, वो आर्टरी जो है वो थोड़ी और नैरो हो जाती है,
ओल्ड एज में जो है वो फिर प्रॉब्लम्स भी जैसे कई बार हो जाती हैं, वो जो है उसमें लेयर्स ही जमनी स्टार्ट हो जाती है आर्टरीज में, तो उसका जो अंदर का होल है ना, छेद जिसको हम सिंपल मैं बोलूँ आपको, तो वो नैरो होता जाता है, वो तंग होता जाता है। तो जब ब्लड जो है वो ज़्यादा आ रहा है लेकिन उसमें जो है स्पेस जो है बहने के लिए वो कम है, तो वो क्या हुआ उस टाइम उसमें उसको प्रॉपर नहीं मिलता है ना, स्पेस नहीं मिलता है, तो वहाँ पर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। तो 140 जो है वो हायर हो सकता है ओल्ड एज में जाने के बाद। ठीक है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम जो है ब्लड प्रेशर जो है वो इनकी नाप देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। तो उसमें क्या हम करते हैं, वो आपने देखा होगा ना, एक कफ जो है वो हमारे यहाँ पर जो है ब्रैकियल आर्टरी मतलब आम की आर्टरी पर जो है वो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा वो एक रैप कर देते हैं ना, कफ रैप कर देते हैं। फिर आपने देखा होगा यहाँ पर जो है डॉक्टर्स अपना वो क्या कहते हैं स्टेटोस्कोप रखते हैं। ठीक है, तो फिर स्टेटोस्कोप रखने के बाद फिर वो पंप करते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो प्रेशर बढ़ाते हैं, तो इसमें जैसे ही प्रेशर बढ़ता है ना, तो क्या होता है यहाँ पर जो हमारी आर्टरी जा रही है आम की आर्टरी, जिसको हम ब्रैकियल आर्टरी बोलते हैं, तो वो जो है एकदम से बंद हो जाती है। ठीक है, तो फिर वो 200 mmHg तक जो है वो लेकर जाते हैं उस प्रेशर को, फिर धीरे 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 जो है वो प्रेशर को रिलीज़ करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर प्रेशर बढ़ाते हैं ना वो कफ में, तो क्या होता है उनको कुछ भी साउंड जो है वो सुनाई नहीं देती है। पहले साउंड जो है वो सुनाई देती है उनको, जैसे दिल की धड़कन की। ठीक है, जैसे वो बढ़ाते हैं तो उनको साउंड देना सुनना बंद हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद फिर 200 mmHg तक जो है वो उसका प्रेशर लेके गए, फिर वो प्रेशर धीरे 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 कम करना, मतलब कि वो जो पंप से किया ना वो उसको फिर पंप को रिलीज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो धीरे धीरे प्रेशर कम करना शुरू कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। और फिर जैसे जैसे प्रेशर रिलीज़ होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है वहाँ पर 200 से कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर उनको एक साउंड सी सुनाई देती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, जो आर्टरी हमारी यहाँ पर बंद थी वो एकदम से ओपन होती है और धीरे धीरे ब्लड जो है वो उसमें आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो हमारे पास जैसी साउंड सुनाई दी, वो हमारे पास क्या हुआ, सिस्टोलिक प्रेशर हो गया। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर तभी बोला ना 200 से जैसे डाउन आया, तो वो नोट करते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर उसको साउंड जो है वो सुनाई दी। ठीक है, फिर वो धीरे 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 वो नोट कर लिया ना रीडिंग, मान लो 115 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद धीरे 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 वो प्रेशर रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं और करते हैं, तो वो उनको साउंड सुनती जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर उनको वो साउंड सुननी फिर से बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, वो आर्टरी में ब्लड जो है वो प्रॉपर फ्लो करना शुरू हो गया। ठीक है, तो वो जो है जब पॉइंट जहाँ पर उनको साउंड बंद हो गई सुननी, तो वो डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। जहाँ पर सुननी शुरू हुई थी वो सिस्टोलिक प्रेशर हो गया, और जहाँ पर उसको जो है सुननी बंद हुई वो साउंड, तो वो जो है साउंड, वो साउंड की रीडिंग नोट करेंगे और वो जो पॉइंट आया वो उनका सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो उनके पास आ गया। क्लियर हो गया, तो इस तरह से जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो देखते हैं कि कैस कितना है। तो वह मान लो ऐसे 115 था, तो वो मान लो लोअर वाला जो है डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो उनके पास आता है 80। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल ये है। ठीक है, तो यहाँ से फिर वो ब्लड का प्रेशर जो है वो नोट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम ब्लड प्रेशर जो है वो देखते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बोल के बताना कि किसको कहाँ पर समझ नहीं आया, तो आई विल रिपीट इट। ओके, उसके बाद जो है हाउ डू फूड एंड ऑक्सीजन रीच बॉडी सेल्स, तो फूड और ऑक्सीजन जो है वो कैसे पहुँचती है, ये पीछे भी मैंने बताया था जब हम जो है न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन कर रहे थे, तो एक बार फिर से मैं बता रही हूँ। तो ब्लड जो है ऑक्सीजन कहाँ से ले रही है, लंग से ले रही है। ठीक है, वहाँ पर आर्टरीज जो है वो आर्टरीज में जो है वो हार्ट से ब्लड जो है पहले लंग से जो है वेन्स कहाँ तक लेके आई, हार्ट तक लेके आई। हार्ट ने फिर क्या किया, आर्टरीज में डाला, और आर्टरीज जो है वो फिर आगे फ्लो करती करती कई सारी डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्रियोल्स में जो है वो डाइवर्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और टूटने के बाद क्या होता है कि वो फिर जो है फिर सेल के आसपास, मैंने बोला था ना एक बार समझाया था मैंने, ये ऐसे सेल है, तो सेल के आसपास जो है वो फिर यहाँ पर जो है वो
कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये सेल है, सेल यहाँ पर उसने कवर अप कर लिया, या फिर ऐसे भी हो सकता है ये सेल है और यहाँ पर इनकी कैपिलरीज जो है वो जा रही हैं। ये कैपिलरीज की वॉल जो है इतनी ज़्यादा लाइनिंग पतली होती है कि इसमें से जो है वो ऑक्सीजन, फूड पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं कि बिल्कुल सेल की कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पर जो है वो सेल जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और सेल से भी वेस्ट मटेरियल जो है वो ऐसे ही बाहर जाता है और फिर ब्लड में जो है कैपिलरीज में चला जाता है, और फिर कैपिलरीज आगे किस में बन जाती हैं, जो यहाँ पर कैपिलरीज इनसे ऐसे ज्वाइन करेंगी तो वो जो हमारे पास होगी कौन सी होगी, ये वेंस में चली जाती है, ठीक है ना। वो याद आया ना, मैंने ऐसे समझाया था कि ये कैपिल, ये हमारी आर्टरी, ये हमारी कैपिलरीज और फिर ये हमारी वेंस। तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और फूड, ठीक है, तो सेल इसके अंदर मैंने बोला था, और फिर यहाँ पर जो है वो एक्सचेंज हुआ, और फिर इसमें जो ब्लड गया उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, और साथ के साथ क्या हुआ, वो जो भी यूरिया, इनकी यूरिक एसिड, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा यहाँ पर चला गया, इसमें चला गया, और ये फिर आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी वेंस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेशन जो है वो मटेरियल्स का होता जाता है। उसके बाद फिर हमारा जो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज़ ना थोड़ा बड़ा होता है। अब जैसे है चाय छन्नी करते हैं ना, चाय छन्नी में डाल देते हैं तो चाय पत्ती रह जाती है, क्योंकि उसका साइज़ छन्नी से बड़ा है तो वो रह जाता है। तो ऐसे ही कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोटीन्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं कि वो ब्लड वेसल्स में नहीं जा पाते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है, तो वो फिर कहाँ जाएंगे, कैसे बॉडी में एब्सॉर्ब होंगे। तो उसके लिए एक और सिस्टम है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, उसको हम लिम्फैटिक सिस्टम जो है वो बोलते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूँगी, टिल देन इसको पढ़ो अच्छे से, और फिर अगर कुछ नहीं पता चले तो यू कैन आस्क एनी डाउट, एनी क्वेरी, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में। Till then, stay safe, take care of yourself and your family, and study hard. Bye-bye.